गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम वंस अगेन टू उत्तराखंड व्लॉग सीरीज़। सो दोस्तों, आज हम आ रखे हैं तालेश्वर के मंदिर, शिवजी का मंदिर, भोलेनाथ का मंदिर, महादेव का मंदिर। काफ़ी श्रद्धा है लोगों की यहाँ पे, तो वो आप देख सकते हो, वो लास्ट में वहाँ पे है देघाट बाज़ार, देघाट मार्केट, तो उसके पास में हमारा घर है। तो वहाँ से हम ऐसे घूमते हुए इस तरह से यहाँ आते हुए इधर आए हैं। अभी ऊपर ये सड़क आ गई है, नीचे से मतलब पैदल रास्ता ही है, यहाँ पर जाके फिर सड़क आती है। वो जो नीचे मार्केट है वहाँ भी सड़क है, वो मेन रोड आ जाती है, जिसे हम हाईवे बोल देते हैं। बाकी ये जो है, ये सड़क गांव को जोड़ती है, गाँव के लिए ये सड़क बना रखी है प्रधानमंत्री योजना के तहत। और ये जो सड़क है, ये सड़क सीधे जाएगी तालेश्वर को। तो वहाँ से जब हम आए देघाट बाज़ार से, जब हम यहाँ तक आए, तो क्या है कि आदत नहीं है, क्योंकि आते जाते नहीं है रेगुलर यहाँ पे। अभी अगर मेरी बात करूँ तो मेरे को तो अप्रोक्सीमेट 18 साल हो गए, 18 साल के बाद मैं इधर आ रहा हूँ अभी तालेश्वर मंदिर में। तो यह है कि जब कोई बंदा रेगुलर नहीं है, काफ़ी टाइम बाद आता है, आदत नहीं है उसको पहाड़ों में चढ़ने की, तो वहाँ से लेके यहाँ तक जब बंदा आएगा तो फट के हाथ में आ जाती है हौसलों की तरपाल। तो वही हाल हुआ है। अभी ये जो रास्ता है वो आप देख रहे होंगे ऊपर किस तरह से फॉग लगी हुई है, वो एक्चुअल में बारिश नहीं है, वो फॉग लगी हुई है, धुंध नहीं, फॉग अलग चीज़ है। वो जो फॉग होती है, वो जो पानी होता है ना यहाँ पे, वाष्प जिसको हम बोलते हैं, वाष्प बन के पानी फिर ऊपर जाएगा, फिर बारिश होगी। तो ये रास्ता है, आप देख सकते हो ऊपर, यहाँ भी गांव है काफ़ी। ये जो नीचे वाला गांव है जहाँ से हम ऊपर चढ़े थे, ये गांव है बसनल गांव। वो नीचे आप देख सकते हो, वहाँ पे वो नदी है, वो नीचे। सो आइए चलते हैं, आगे का भी व्यू आपको दिखाते हैं स्टेप बाय स्टेप। हर जगह हरियाली ही हरियाली, ऑल ओवर ग्रीननेस। रोड वैसे इतनी पक्की नहीं है ये, जैसे हाईवे है, हाईवे की तरह ये रोड पक्की नहीं है। प्रधानमंत्री योजना के तहत इन्होंने बना तो दिया है, अब देखिए पीछे से बजट क्या आता है, कितना बजट आता है। ये देख सकते हो आप किस तरह से रोड हो रखी है, थोड़ा सा बारिश नहीं हुआ किस तरह से इसकी कंडीशन हो जाती है। पहले ही कंडीशन ख़राब होती है, मिट्टी मिट्टी होती है, बारिश आ जाए तो आप देख सकते हो किस तरह से पानी यहाँ पे इकट्ठा हो गया। ये देखिए किस तरह से पाउंड से बन गए यहाँ पे, देखो ये देखो, ये भी पाउंड बना हुआ है। ये जो आपको दिख रहा है, ये है धारा, ऊपर पहाड़ों से जमीन से रिसते हुए जो पानी आता है पेड़ों की जड़ों से होते हुए, तो यहाँ पर आके इन्होंने ये प्लास्टिक का पाइप लगा रखा है ज़मीन में, और ये है धारा, काफ़ी चिल्ड पानी होता है इसका, बहुत ही चिल्ड वाटर है। तो दोस्तों, यहाँ पर रास्ता ख़राब है, साथ ही साथ व्लॉगिंग नहीं कर सकते, चलते चलते व्लॉगिंग नहीं हो सकती। ये देख सकते हो आप, रास्ता ख़राब है बहुत ज़्यादा, संभल संभल के चलना पड़ेगा। सो दोस्तों, इस व्लॉग में इतना ही, आगे जब मंदिर पहुँच जाएंगे तो मंदिर पहुँच के आपको फिर से दिखाते हैं। ये नीचे आप देख सकते हो, ये है नदी। तो दोस्तों, अभी के लिए बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।